नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 जून, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। निजी स्कूल के 25% सीटों पर अलाभकारी समूह के बच्चों का ऑनलाइन होगा नामांकन। बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए विभाग करेगा ऑनलाइन निगरानी। पंचायती विभाग में 15,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती की चल रही तैयारी। एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने लापरवाह शिक्षकों पर लिया एक्शन। कॉमर्शियल पर्पस के लिए घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है भारी। अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की हार से शोएब अख्तर ने जताई निराशा। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। BECIL ने 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए निकाली भर्ती। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी BECIL द्वारा भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती असिस्टेंट, DEO, MTS, ड्राइवर और रेडियोग्राफर समेत अन्य पदों पर निकाली गई है। भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट BECIL.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 जून है। आवेदन शुल्क के रूप में आपसे 885 रुपये लिए जाएंगे। इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को जरूरी है कि उन्होंने 10वीं, 12वीं या संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा किया हो। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। निजी स्कूल के 25% सीटों पर अलाभकारी समूह के बच्चों का अब ऑनलाइन होगा नामांकन। बिहार में इस बार 25% सीटों पर प्राइवेट स्कूल में गरीब वर्ग के बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा। पहले भी प्राइवेट स्कूल ऐसे बच्चों का एडमिशन लेते थे, पर वो प्रक्रिया ऑफलाइन होती थी, लेकिन इस बार एडमिशन की ये प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। अलाभकारी समूह में उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के माता पिता की वार्षिक आय 1 लाख होनी चाहिए। इसके अलावा इसका लाभ उन बच्चों को भी मिलेगा जो कमजोर वर्ग में सभी जातियों और समुदाय के बच्चे जिनके पास माता पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपये या उससे कम है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे कैमूर की पहाड़ी पर स्थित मंझार कुंड के बारे में। सासाराम से 10 किलोमीटर दूर कैमूर पहाड़ी पर मंझार कुंड और धुआं कुंड झरने स्थित है। प्राचीन इतिहास के अनुसार यहां गुरु ग्रंथ साहिब को ले जाने की परंपरा थी। सिख समुदाय के लोग 3 दिनों तक मंझार कुंड पर रुकते थे। कहा जाता है कि कुंड का पानी प्राकृतिक खनिजों से भरपूर है और भोजन को पचाने में बहुत सहायक है। यदि आप कहीं घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं। पंचायती विभाग में 15,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती की चल रही तैयारी। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही सभी सरकारी कार्यों को पटरी पर लाने का कार्य किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में पंचायत राज विभाग ने बीते दिन 15,610 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता का इस संबंध में बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव 2025 के पहले बिहार में 10 लाख रोजगार बेरोजगार युवाओं को नौकरी उपलब्ध करवाई जाए। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में भी आने वाले 4 महीने में 45,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए विभाग करेगा ऑनलाइन निगरानी। बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए गूगल से सोन नदी के पूरे तट की मैपिंग शुरू की जाएगी। इसके तहत विभाग द्वारा ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था होने वाली है ताकि बालू के अवैध खनन पर रोक लगाया जा सके। आपको बता दें कि बालू खनन को लेकर खान एवं भूतत्व विभाग अलर्ट मोड में है। सोन नदी के तटबंध की लंबाई पटना से लेकर रोहतास तक करीब 150 किलोमीटर है। इसके पूरे इलाके की सघन फोटोग्राफी गूगल के ऑनलाइन मैप की मदद से की जाएगी। वैसे जगहों को चिन्हित किया जाएगा जो बालू के अवैध खनन की अधिक संभावनाओं वाले स्पॉट हैं। BTSC ITI अनुदेशक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की अभ्यर्थी कर रहे मांग। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के बाहर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किए। ये अभ्यर्थी BTSC ITI अनुदेशक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने सितंबर 2023 से जनवरी 2024 में ऑनलाइन परीक्षा ली थी, लेकिन अभी तक इस परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। वहीं जनवरी 2024 में ही परीक्षा की उत्तर कुंजी और आपत्ति
आदि का कार्य पूरा किया जा चुका है। अभ्यर्थियों के मुताबिक रिजल्ट जारी करने में आयोग बहाना बना रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों द्वारा ये सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जो विभाग की अनुदेशक भर्ती लंबे समय से लटकी हुई है। कॉमर्शियल पर्पस के लिए घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है भारी। खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल तो सभी करते होंगे। देश भर में दो तरह के सिलेंडर दिए जाते हैं। पहला है घरेलू सिलेंडर, जिसका इस्तेमाल आप अपने घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं, और दूसरा है कॉमर्शियल सिलेंडर, जिसका इस्तेमाल आप किसी रेस्टोरेंट या बड़े समारोह में खाना बनाने के लिए करते हैं। घरेलू सिलेंडर की तुलना में कॉमर्शियल सिलेंडर अधिक महंगा होता है। घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल आप कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह आप कॉमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल घरेलू काम काजों के लिए नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर खाद्य विभाग द्वारा आप पर कार्यवाही की जा सकती है। बिहार में इस दिन से शुरू होगी हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई। मध्य प्रदेश के बाद अब बिहार में भी MBBS की पढ़ाई हिंदी में करवाने की तैयारी चल रही है। मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में MBBS करवाने को लेकर नियम इसी सेशन में लागू किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके लिए 15 अगस्त तक का समय सीमा निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में देश के पहले हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि देश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है, जल्द ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू की जाएगी। अब इस पोर्टल के जरिए घर बैठे ही जमीन के दस्तावेजों में कर सकते हैं सुधार। कुछ लोगों के जमीन के दस्तावेजों में डिजिटलाइजेशन के दौरान गलतियां हुई थी। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ था तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल इन गलतियों में सुधार के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल को बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने परिमार्जन प्लस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए आप नाम, पिता का नाम, पता, खाता, खेसरा, चौहद्दी और लगान आदि में घर बैठे ही सुधार कर सकते हैं। इस पोर्टल पर मिसिंग एंट्री को भी दर्ज करने की सुविधा दी गई है। बिहार ITI कैट परीक्षा के लिए स्पेशल ट्रेनों का होगा संचालन। 9 जून को बिहार ITI कैट की परीक्षा होगी। बिहार को ध्यान में रखते हुए अलग अलग रूटों पर पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन ने परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इसकी जानकारी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि ITI कैट परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रांची, टाटा, रक्सौल, कटिहार और गया से पटना के लिए व मुजफ्फरपुर से छपरा के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। परीक्षा स्पेशल ट्रेन के संचालन से परीक्षार्थियों के लिए ये काफी आरामदायक होने वाला है। आपको बता दें कि पटना कटिहार अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन नंबर 03288 8 जून को पटना जंक्शन से दोपहर 1 बजे खुलकर बख्तियारपुर मुकामा, न्यू बरौनी, बेगूसराय, मानसी के रास्ते रात 9 बजे कटिहार पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 03287 कटिहार पटना अनारक्षित परीक्षा स्पेशल 8 जून को कटिहार से रात 10 बजे खुलकर 9 जून को सुबह 5 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी। बिहार के इन दो अभ्यारण्यों को रामसर साइट किया गया घोषित। बिहार के जमुई जिला में मौजूद नागी पक्षी अभ्यारण और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये दोनों ही साइट मानव निर्मित जलाशय हैं। इसमें जल ग्रहण क्षेत्रों में पहाड़ियों से घिरे शुष्क पर्णपाती वन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दोनों ही अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किए जाने के बाद बिहार में रामसर साइट की संख्या 3 हो चुकी है और पूरे देश में रामसर साइट की संख्या 82 हो चुकी है। बिहार के इन दोनों ही अभ्यारण्य को रामसर साइट का दर्जा मिलने के बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने खुशी जाहिर की है। विभाग ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर बिहार के जमुई जिले में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स रामसर स्थल घोषित किया गया है। इससे हमारे पक्षी संरक्षण प्रयासों में मदद मिलेगी। ट्राई अलग से नंबरिंग पर कर रहा विचार। 5G आने के बाद मोबाइल नंबरिंग में परेशानी हो रही है, इसलिए ट्राई ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल ट्राई ने नेशनल प्लान को रिवाइज करने का फैसला लिया है। लगातार बढ़ रही सर्विस को देखते हुए अलग से नंबरिंग करने पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि देश भर में 750 मिलियन टेलीफोन कनेक्शन के लिए साल 2003 में नंबरिंग रिसोर्स अलॉकेट किया गया था, वहीं अब ये नंबरिंग रिसोर्स रिस्क के दायरे में आ चुका है।
एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने लापरवाह शिक्षकों पर लिया एक्शन। के पाठक की अनुपस्थिति में भी शिक्षा विभाग ने लापरवाह शिक्षकों पर एक्शन लिया है। दरअसल इस महीने में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले 172 शिक्षकों के एक दिन का वेतन काट लिया गया है। वहीं जांच के दौरान लापरवाही बरतने वाले 140 शिक्षा सेवकों के भी एक दिन के वेतन में कटौती की गई है। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान 140 शिक्षा सेवकों के भी एक दिन के वेतन में कटौती की गई है। लापरवाह शिक्षकों पर एक्शन होता देख अन्य शिक्षक भी अलर्ट मोड में आ गए हैं। पिछले 5 वर्षों की तुलना में इस बार सीईटी बीएड के लिए आए सबसे अधिक आवेदन। 25 जून को 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए परीक्षा होने वाली है। इस बार इस कोर्स में एडमिशन के लिए पिछले 5 वर्षों की तुलना में सबसे ज्यादा आवेदन किए आए हैं। इस बार 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए 2,08,818 बच्चों ने आवेदन किया है, जिसमें 1,04,881 महिला और 1,03,934 पुरुष शामिल है। वहीं 386 अभ्यर्थी ऐसे रहे जिन्होंने शिक्षा शास्त्री के लिए आवेदन किए हैं, जिसमें 129 महिला और 257 पुरुष शामिल है। जिन भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं वे 17 जून से आधिकारिक वेबसाइट www.biharcetbed.lnmu.in पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। प्रदेश के 12 जिलों के 42 से बालू घाटों पर अनियमितता के कारण खनन कार्य हुआ बंद। प्रदेश में पटना समेत 12 जिलों के 42 बालू घाटों पर हो रहे अनियमितता को देखते हुए बालू खनन को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। दरअसल जब जांच हुई तो पता चला कि इन सभी बालू घाटों पर 5 जून से ही सीसीटीवी कैमरा बंद है। इसकी जानकारी तब मिली जब सीसीटीवी फुटेज को विभागीय कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में देखा गया। खनन विभाग के सचिव ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उसके बाद पटना, गया, भोजपुर, औरंगाबाद और सारण समेत 12 जिलों के 42 घाटों पर बालू खनन को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। ये खनन तब तक बंद रहेंगे जब तक सभी घाटों पर सीसीटीवी कैमरे चालू ना हो जाए। बिहार में कहीं बारिश और कहीं लू की चेतावनी। बिहार में मौसम को लेकर चेतावनी जारी की जा रही है। प्रदेश में कई जगहों पर तेज आंधी और बारिश को लेकर लगातार संभावनाएं जताई जा रही हैं। प्रदेश में कई जगहों पर तेज हवा देखने को मिल रही है। प्रदेश में आज भी पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में बारिश को लेकर संभावनाएं जताई गई है। वहीं अन्य जगहों पर मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। प्रदेश में कई जगहों पर लू की संभावना भी जताई गई है। पुलिस ने एटीएम से छेड़छाड़ कर साइबर अपराध को अंजाम देने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करने की एक घटना का पर्दाफाश करते हुए जानकारी दी है। बिहार पुलिस ने बताया है कि एटीएम मशीन से छेड़खानी कर साइबर अपराध की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने पटना जिले के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उक्त अभियुक्तों के पास से 17,300 नगद रुपए, 12 एटीएम कार्ड और अन्य आपत्तिजनक उपकरण बरामद किए गए हैं। बाजार से ब्रेड खरीदने से पहले इन 6 बातों का रखें ध्यान। अगर आप भी ब्रेड खाने के शौकीन हैं तो ब्रेड खरीदने से पहले इन 6 बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। ब्रेड खरीदने से पहले उसके पैकेट पर एडेड शुगर किसी भी फॉर्म में कितना है ये जरूर चेक कर लें। इसके अलावा ब्रेड किन इंग्रेडिएंट से बनाया गया है ये भी चेक करें। कई बार ब्रेड को सेकने के वक्त नमक का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ब्रेड खरीदने से पहले सॉल्ट की मात्रा पर भी ध्यान दें। ज़्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स होना आपके सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, इसलिए प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा कितनी है ये देख लें। ब्रेड खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट अवश्य चेक कर लें। साथ ही न्यूट्रिएंट्स है या नहीं और अगर है तो कौन सी न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में है इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिहार के बेगूसराय के इस नर्सरी में एक ही पेड़ में लगते हैं कई वैरायटी के आम। बिहार में आम और लीची की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है। जहां एक तरफ मुजफ्फरपुर की शाही लीची प्रसिद्ध है तो वहीं प्रदेश में एक से एक आम की वैरायटी भी मिल जाती है। अब इसी कड़ी में बिहार की बेगूसराय के बलिया प्रखंड में एक ऐसी नर्सरी है जहाँ एक ही पौधे में कई वैरायटी के आम के फल लगते हैं। यहाँ के आम कई जगहों पर भी भेजे जाते हैं। इसकी जानकारी आकाशवाणी समाचार पटना ने भी अपने सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर शेयर की है, साथ ही वीडियो को भी पोस्ट किया है। एनडीए की बैठक में सीएम नीतीश ने लूटी महफिल। बीते दिन बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की बैठक देखने को मिली। इस दौरान एनडीए के सभी नवनिर्वाचित
इस दौरान एनडीए के सभी नव निर्वाचित सांसद मौजूद थे। बैठक में एनडीए के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें सभी ने हामी भरी। वहीं इस दौरान नीतीश कुमार ने भी महफिल लूटा। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ हुंकार भरते हुए कहा कि कुछ भी हो जाए, अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। हम तो चाहते हैं कि पीएम मोदी रविवार के बदले आज ही शपथ ग्रहण कर ले। पप्पू यादव ने कहा, मुझे लगता है साल भर से भी ज्यादा नहीं चल पाएगी एनडीए की सरकार। पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव बीते दिन दरभंगा आए। इस दौरान पप्पू यादव का भव्य स्वागत किया गया। यहां आते ही पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं, लेकिन देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं दिया है। ये इसलिए क्योंकि उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, उनके नाम पर 65 से 70 सीटें कमाए हैं। 400 पार की बात तो छोड़िए, बहुमत में भी इन्हें नहीं मिला, वो अपनी सरकार भी नहीं बना पाए। आगे उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये सरकार साल भर से ज्यादा नहीं चल पाएगी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू गांधी विचारधारा के लोग हैं। जब चंद्रबाबू को लगेगा कि साउथ में मोदी का असर गलत हो रहा है तो नायडू भी भागेंगे। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई ने फाइनल चार्जशीट किया दाखिल। सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन मामले में फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इस चार्जशीट में लालू यादव समेत 78 लोगों को आरोपी बताया गया है। इन आरोपियों में लालू परिवार से भी कुछ लोग शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में अब 6 जुलाई को सुनवाई होगी। मालूम हो कि सीबीआई को दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने के आदेश दिए थे। बता दें कि यदि सीबीआई के चार्जशीट में लालू परिवार के खिलाफ कुछ भी लिखा रहा तो लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की हार से शोएब अख्तर ने जताई निराशा। टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज पाकिस्तान टीम के लिए काफी निराशाजनक रहा है। अब इस मुकाबले को देखते हुए पूर्व तेज गेंदबाज ने निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मैच में कभी भी जीत की हकदार थी ही नहीं। पाकिस्तान ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 159 रन बोर्ड पर लगाए थे। शोएब ने सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लिए निराशाजनक हार है। हम अमेरिका से हार कर अच्छी शुरुआत नहीं कर पाए। हमने इतिहास दोहराया, जैसा कि हमने 1999 के विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ किया था। पाकिस्तान कभी भी जीत का हकदार नहीं था। इसका कारण यह कि अमेरिका ने बहुत अच्छा खेला और मजबूत स्थिति में था। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1658 में औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा किया था। आज के दिन वर्ष 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। आज के दिन वर्ष 1948 में भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई अड्डा सेवा शुरू किया था। आज के दिन वर्ष 1997 में पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में भारत के महेश भूपति ने मिश्रित युगल खिताब जीतकर इतिहास बनाया था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी की परीक्षा को लेकर वायरल हो रहे इस खबर के बारे में। प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू नाम के एक यूट्यूब चैनल में यूपीएससी सीएससी की परीक्षा को लेकर दावा किया जा रहा है कि इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि परीक्षा अब जुलाई में होगी, लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। परीक्षा स्थगित नहीं हुई है, ना ही आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई जानकारी बयान दिया गया है। यूपीएससी सीएससी की प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित तिथि 16 जून 2024 को ही आयोजित होगी। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए इसे फर्जी बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे नए प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, वंदे मातरम किसने लिखा था? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन सी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 1946 में तेभेगा आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है बंगाल। इसका सही उत्तर है बंगाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है विलियम विडरबर्न, ऑप्शन बी है जॉर्ज यूल, ऑप्शन सी है एओ ह्यूम, ऑप्शन डी है हेनरी कॉटन। इसका सही उत्तर है जॉर्ज यूल।
बिहार विधानसभा की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुई थी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 170, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 171, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 169, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 173। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 170। बिहार में 1938 में कहां पर अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन हुआ था? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है चंपारण, ऑप्शन डी है पटना। इसका सही उत्तर है पटना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है विकास दास, राहुल कुमार, नुनू गोलू कुमार, सुरभि जैन, राजीव कुमार, सनी कुमार, संजीव कुमार, ओम प्रकाश कुमार, राजकिशोर महतो, सादुल्ला पालवी, अजय सहनी, वेद प्रकाश सिंह, लकी कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की रात का सवाल है, आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।